हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वंस अगेन आई वेलकम टू यू इन द टुडे साइंस क्लास। एज यू नो, कल हमने आपको बताया था बेटा कि क्लिनिकल थर्मामीटर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या उसकी रेंज होती है टेम्परेचर मेजर करने की, और जब भी हम टेम्परेचर मेजर करते हैं तो कौन कौन सी प्रिकॉशंस, कौन कौन सी सावधानियां हमें ध्यान रखनी पड़ती है, ये सारी बात हमने आपको बताई थी। और किसने एक और बात बताई थी बेटा आपको कि हाउ कैन वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन बीइंग। अब इन शॉर्ट में आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूँ जो आपकी बुक में एक्टिविटी 4.3 में लिखा है। सपोज आपके पास अपनी क्लास के 10 स्टूडेंट्स हैं, उन सबको हमें नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर मेजर करना है। हम क्या करेंगे, सब अलग अलग 10 थर्मामीटर्स ले लेंगे, सबको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में डिप किया और सबको वाटर से वॉश करने के बाद सब स्टूडेंट 10 स्टूडेंट्स जो हैं उनको अलग अलग चेयर पे बिठा देंगे और उनके माउथ में टंग के नीचे थर्मामीटर रखने को बोल देंगे। एक्यूरेट 1 मिनट के बाद अपना थर्मामीटर बाहर निकाल करके और उसको हम रीड करेंगे। जितने भी स्टूडेंट का जो आपके पास में टेम्परेचर आएगा, थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, लेकिन आप सबका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो आएगा, सपोज करिए आपके पास का टेम्परेचर हुआ, हम निकाल रहे हैं एवरेज बॉडी टेम्परेचर, तो आप क्या करेंगे, इसमें हर स्टूडेंट का अलग अलग आएगा। सपोज पहले वाले का T1 आया, दूसरे वाले का T2 आया, नेक्स्ट नंबर का T3 आया, इस तरह और भी जितने हैं, लास्ट में चल करके आपके पास T10 हो जाएगा और उसको निकालने के बाद 10 से डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी That is the average body temperature, that is T degree Celsius. T का मतलब यहाँ कुछ भी हो सकता है, that is the 37 degree on Celsius scale, या फिर 98.6 degree on Fahrenheit. What is this? Normal body temperature. Normal बॉडी टेम्परेचर, ओके, ये डिग्री सेल्सियस में है और ये फारेनहाइट में होगा। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, ओके। इतना समझने के बाद अब अपन थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। सपोज करिए आपको बोल दिया जाए कि क्लिनिकल थर्मामीटर से बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर मेजर किया जा सकता है या नहीं, आपका आंसर होगा नो। वी शुड नॉट मेजर द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर विद क्लिनिकल थर्मोमीटर, बिकॉज क्लिनिकल थर्मोमीटर विल ब्रेक एज द बॉइलिंग वाटर हैज द टेम्परेचर एट लीस्ट 100 डिग्री सेल्सियस। And range of clinical thermometer is 35 to 42 degree Celsius. थोड़ा गौर करना बात पर। Temperature of boiling water, उसका कम से कम temperature होता है 100 degree on Celsius scale. लेकिन आपका जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है ना, क्लिनिकल थर्मोमीटर, उसकी रेंज होती है 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, जो आपके बॉइलिंग वाटर के स्टार्टिंग टेम्परेचर से बहुत ज्यादा है। प्लीज रिमेम्बर, 10 degree Celsius temperature is greater than range 35 degree Celsius and 42 degree Celsius. So, thermometer will break
thermometer will break. कुछ बात समझ में आई क्या? एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं. सपोज आपके पास क्लिनिकल थर्मामीटर या डॉक्टर थर्मामीटर है, उससे बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर मेजर करने को दे दिया जाए तो क्या होगा? तो उसकी वजह है, फाइनल आंसर होगा, द थर्मामीटर विल ब्रेक. क्यों ब्रेक क्यों होगा? वजह है, टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर मिनिमम कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस. और क्लिनिकल थर्मामीटर की रेंज कितनी होती है? 35 to 42 डिग्री सेल्सियस. अब 100 डिग्री बहुत ज्यादा है इस रेंज से, तो थर्मामीटर विल ब्रेक. अब आगे की बात सुनना. इट कैन मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली. क्लिनिकल थर्मामीटर डॉक्टर्स यूज करते हैं पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? क्लिनिकल थर्मामीटर और डॉक्टर्स थर्मामीटर. एक बात और ध्यान से सुनना. थर्मामीटर के अंदर जो नॉर्मल मर्करी थर्मामीटर होता है, उसके अंदर एक स्ट्रक्चर होती है अलग से, उसको बोलते हैं किंक. उससे क्या फायदा होता है? ये किंक और थर्मामीटर में नहीं मिलेगी. आपने सपोज पेशेंट बॉडी से थर्मामीटर बाहर निकाला तो उसमें टेम्परेचर डाउन नहीं जाएगा. जब आपने पेशेंट के माउथ से थर्मामीटर बाहर निकाल लिया तो भी मर्करी लेवल डाउन क्यों नहीं जाएगा? बिकॉज इट हैज ए किंक. जबकि ये स्पेशलिटी और थर्मोमीटर्स में नहीं होती है, जो हम पढ़ेंगे इसमें आगे. लेकिन जब आप उसको रीड करने के बाद हल्का सा अपने हाथ से पकड़ करके झटका देंगे, जर्क देंगे, तब जाकर के उसका मर्करी लेवल टेम्परेचर वापस से डाउन आएगा. इफ द थर्मोमीटर इज टू बी यूज्ड अगेन, देन इट फर्स्ट गिवन ए जर्क टू द ब्रिंग द मर्करी इन द सेम बल्ब. वापस मर्करी लेवल को स्टेम के मतलब बल्ब तक लाना होता है, तब जर्क दिया जाता है. एक इम्पोर्टेंट साइंस बिट्स बता रहे बेटा हम आपको. मर्करी इज यूज्ड एज थर्मामेट्रिक लिक्विड. मर्करी को हम थर्मामीटर के अंदर फिलअप करते हैं टेम्परेचर मेजर करने के लिए, उसको बोलते हैं थर्मामेट्रिक सब्सटेंस. लेकिन ध्यान रखना, इट इज ए टॉक्सिक सब्सटेंस. ये हार्मफुल होता है और इसकी वजह से सीरियस एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. ये क्या होता है हम आपको बाद में बताएंगे, बड़ी क्लास के अंदर इसके बारे में आएगा. अगर कोई भी व्यक्ति मर्करी को अपने बॉडी के अंदर ले लेता है, ड्रिंक कर लेता है, तो बहुत सारी पैरालिसिस और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स उसमें आ सकती हैं. इसलिए अभी प्रेजेंट टाइम में डिजिटल थर्मोमीटर काम में लिए जा रहे हैं, उनमें मर्करी नहीं होता है. सो दैट इज द डिजिटल थर्मोमीटर. इतनी बात समझने के बाद आगे सुनिए बेटा. एक अलग से हम दूसरे थर्मोमीटर की बात कर रहे हैं, दैट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम थर्मोमीटर. प्लीज रिमेम्बर, आपको पता है जब न्यूज़पेपर वगैरह हम पढ़ रहे होते हैं या वेदर रिपोर्ट टेलीविजन पर दी जाती है, तो उसमें हम पहले वाला टेम्परेचर भी चेक किया जाता है और बाद में नेक्स्ट आने वाले 24 आवर्स में या 48 आवर्स में क्या टेम्परेचर रहेगा उसको भी शो किया जाता है. इसके लिए एक अलग से थर्मोमीटर होता है, उसको बोलते हैं मिनिमम मैक्सिमम थर्मोमीटर. मिनिमम का मतलब कम से कम टेम्परेचर, एक दिन में सबसे कम टेम्परेचर क्या होगा, दैट इज मिनिमम टेम्परेचर. उसी दिन में हाईएस्ट टेम्परेचर क्या होगा, दैट इज द मैक्सिमम टेम्परेचर. तो एक थर्मोमीटर ऐसा होता है जो एक पर्टिकुलर जगह पर वहां का मिनिमम टेम्परेचर भी शो करेगा और मैक्सिमम टेम्परेचर भी शो करेगा. उस एक डिवाइस का नेम होगा मिनिमम मैक्सिमम थर्मोमीटर. द वेदर रिपोर्ट अबो इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम थर्मोमीटर. अपने बुक के अंदर एक फोटोग्राफ दिया है, उसको देखना. द पिक्चर ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम थर्मोमीटर इज शोन हियर. द मिनिमम एंड मैक्सिमम स्केल्स आर नंबर्ड इन बोथ डिग्री फारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस. ध्यान से सुनना,
ये जो मिनिमम और मैक्सिमम जो थर्मोमीटर्स होते हैं इनमें दोनों स्केल्स पर रीडिंग मिलेगी आपको, डिग्री फारेनहाइट पर भी और डिग्री सेल्सियस पर भी, एंड रेंज फ्रॉम -28°F टू +121°F. प्लीज लुक ऑन द बोर्ड, रेंज ऑफ मिनिमम मैक्सिमम थर्मोमीटर, मिनिमम मैक्सिमम एंड मैक्सिमम थर्मोमीटर मैक्सिमम थर्मोमीटर इज, ध्यान रखना क्या बता रहे हम आपको, -28°F टू +121°F, और यही जो है यहां पर सेल्सियस में देखना -34°C टू +50°C, ये क्या बताया हमने, रेंज ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम थर्मोमीटर इज -28°F टू +121°F और सेल्सियस पर होगी -34°C टू +50°C। और एक और बात हम आपको बता रहे हैं, द मिनिमम स्केल इज फ्रॉम द लेफ्ट रीड डाउनवर्ड। अब इसमें क्या होता है, लेफ्ट और राइट दो कॉलम बने होते हैं, ध्यान से देखना डायग्राम में, तो जो लेफ्ट साइड वाला होता है ना उसको ऊपर से नीचे पढ़ना पड़ता है, जबकि जो मैक्सिमम वाला होता है उसको नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ा जाता है। मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर आर इंडिकेटेड बाय मार्कर्स अबाउट द मर्करी कॉलम इन द स्केल, इसमें भी मर्करी होता है। तो जैसे सपोज करिए यहाँ पर ये आपके पास एक स्केल बना हुआ है, इसमें बीच में यहाँ पर दो स्केल्स होते हैं, एक इधर और एक इधर, और बीच में मर्करी लेवल होता है यहाँ पर। अब इसमें हम ऊपर से नीचे रीड करेंगे तो ये क्या बताएगा आपका, मिनिमम, और इसमें हम ऊपर से नीचे रीड करेंगे दैट इज द मैक्सिमम। अब इसमें जो मर्करी लेवल यहाँ पर मिलेगा वो अलग होगा, यहाँ का जो होगा वो अलग होगा, इस तरह से मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर मेजर किया जाता है। दिस थर्मोमीटर कैन बी यूज एज इंडोर और आउट, इसको घर के अंदर भी रख सकते हैं और घर के बाहर भी रख सकते हैं। ओके, दिस इज एनफ फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, और वी विल मीट नाउ इन द नेक्स्ट क्लास।